दोस्तों क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क का IQ 165 है, जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का 160 था, आइजैक न्यूटन का 190 और हमारे इंडिया के अनुष्का दीक्षित का IQ 162 है जो कि आइंस्टाइन के IQ से भी ज्यादा है। वैसे तो दुनिया के सभी लोगों का एवरेज IQ लेवल 100 के करीब होता है, पर क्या आप जानते हैं worlddata.info की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 109 कंट्रीज में से सिंगापुर एवरेज 108 IQ के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है। वहीं अपने इंडिया का एवरेज IQ 81 है जो इंडिया को वर्ल्ड्स एवरेज IQ की लिस्ट में 80th पोजीशन पे डालता है जो कि काफी लो है, लेकिन हम इसे बढ़ा सकते हैं अगर हम सभी अपने IQ को और बढ़ाने पे फोकस करें, क्योंकि ज्यादा IQ वाले लोग एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इनकी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर अच्छी होती है और ऐसे लोग अपनी लाइफ में बाकियों के मुकाबले ज्यादा इनकम कमाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई IQ इनके लिए कुछ भी करना बाकियों के मुकाबले आसान हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम सभी को अपने IQ को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर आप भी अपना IQ और बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट्स में लिखो IQ। पर ये IQ एग्जैक्टली होता क्या है और हम अपना IQ कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, व्हाट इज IQ एंड हाउ टू कैलकुलेट एंड इंक्रीज योर IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ये एक नंबर होता है जो ये दिखाता है कि आपकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। यहाँ इंटेलिजेंस से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप कितना याद रख सकते हो या आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, बल्कि इंटेलिजेंस का रियल मीनिंग होता है आपकी नई इन्फॉर्मेशन को सीखने की कैपेसिटी प्लस उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग में होल्ड करके रखना और फिर उस नई नॉलेज का यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उससे कुछ नया सीखने के लिए फाउंडेशन की तरह यूज करना। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा IQ कितना है? तो इसके लिए एक सिंपल IQ टेस्ट फॉर्मूला है MA/CA × 100, जहां MA का मतलब है मेंटल एज, यानी मेंटली आपकी उम्र कितनी है। कुछ लोग अपनी उम्र के हिसाब से मेंटली काफी मैच्योर होते हैं, वहीं कई बड़े लोगों का दिमाग बच्चा ही रहता है, जैसा कि आपने कोई मिल गया में ऋतिक रोशन को देखा होगा। वहीं CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारी नॉर्मल बर्थडे एज होती है। पहले के टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जब इंसान अपनी अडल्ट एज में पहुंच जाता है तो ह्यूमन ब्रेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और IQ फिक्स्ड हो जाती है, पर टाइम टू टाइम इस टॉपिक पर कई रिसर्च की जा चुकी है और हर बार साइंस ने ये प्रूव करा है और न्यूरोप्लास्टिसिटी इस बात का सबूत भी है कि इंसान चाहे तो अपनी इंटेलिजेंस यानी IQ को बढ़ा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है हमारा ब्रेन अपने न्यूरॉन कनेक्शंस को मॉडिफाई या उसमें कोई चेंज कर सकता है। इस डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है, जो हमारे कंट्रोल मूवमेंट, मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो टाइम के साथ एक्सपैंड और श्रिंक यानी बढ़ या घट सकता है, जैसा कि हमारी मसल्स के साथ होता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उन्हें यूज नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेज हो जाती हैं। वैसे अगर हमारे ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होगी तो कई न्यूरॉन कनेक्शंस का यूज ना होने की वजह से आपकी मेमोरी अफेक्ट होने लगती है और आपके कॉग्निटिव फंक्शंस भी कमजोर होते जाते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी IQ फिक्स नहीं है और सही ट्रेनिंग से आप अपनी IQ बढ़ा सकते हो। पर रिवायर्स अपनी IQ बढ़ानी कैसे? वेल, IQ कभी एक रात में नहीं बढ़ती। जैसे आप कुछ दिनों में ही अच्छी बॉडी नहीं बना सकते हैं, वैसे ही अपने ब्रेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत टाइम तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिसेस जैसे नंबर 2, एक्सपैंड योर इमेजिनेशन यूजिंग ऑल 5 सेंसेस। दोस्तों आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हम सभी फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम हमेशा डिजिटल और विजुअल चीजों को TV, लैपटॉप या फोन में देख देख के अब हमें ज्यादा इमेजिनेशन या माइंड में विजुअलाइज नहीं करना पड़ता। सब कुछ हमारी आंखों के सामने अपने आप होने लगता है, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जिससे हमारी इमेजिनेशन और विजुलाइज करने की आदत और पावर कम होती जा रही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च में यह देखा गया है कि हमारे 5 सेंसेस हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए ये एक्सरसाइज आपके 5 सेंसेस को ट्रिगर करके आपकी IQ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। आपको करना यह है कि आपको दिन में सपने देखने। अब इससे हमारा मतलब है कि जैसे आप रात में सोते हुए जब सपने देखते हो तो आपके सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, आपको सब कुछ असली लग रहा होता है। वही सेम चीज आपको दिन में कॉन्शियसली करनी है। किसी भी चीज को इमेजिन करो और अपने 5 सेंसेस से उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आप कुछ भी सोच सकते हो, अपनी सक्सेस को विजुलाइज कर सकते हो या अपने आइडिया को सच होते हुए देख सकते हो, जहां आपको सब कुछ रियल लग रहा होगा। जब आप कुछ इमेजिन करते हो, उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर पाते हो, इससे आपके ब्रेन के सभी एरियाज एक्टिव होकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको हर दिन 15 से 45 मिनट तक डेली करना है और रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2-4 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे।
जहां आपके आइडियाज फॉर्मेशन, रीडिंग एबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बढ़ जाएगा। इस दुनिया के सभी इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना जानते हैं। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो पहले किसी न किसी के माइंड में एक आइडिया बनकर आए थे, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा, उसे इमेजिन और विजुलाइज करा, चाहे वो जमीन पे चलने वाली कार हो या आसमान में उड़ने वाला एयरप्लेन। इसीलिए जब आप अपने सेंसेस का यूज करके इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की आदत बना लेते हो तो आपका IQ अपने आप इंक्रीज होने लगता है। नंबर 3, ब्रेन हार्मोनिक्स। दोस्तों, आपने YouTube पे स्टडी म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक और ब्रेन पावर इंक्रीज करने जैसे म्यूजिक वीडियोस कभी न कभी देखे होंगे, जिन्हें ब्रेन हार्मोनिक्स या बायनॉरल बीट्स भी कहा जाता है। पर क्या ये एक्चुअल में काम करते हैं? वेल, एसोसिएशन फॉर अप्लाइड साइकोफिजियोलॉजी एंड बायोफीडबैक के न्यूरोफीडबैक डिवीजन के फॉर्मर प्रेसिडेंट सिगफ्रिड ऑथमर ने एक ब्रेन वेव ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट करा था, जहां उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट वेवलेंथ को कंबाइन करा हुआ म्यूजिक सुनते हुए रेगुलरली मेडिटेट करने को कहा। जिसके बाद ये देखा गया कि जिन लोगों ने ब्रेन हार्मोनिक्स का यूज करके मेडिटेशन करा था, उन सभी के एवरेज IQ में 23% का इंक्रीज हुआ था। दोस्तों, हमारा ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है जो अलग अलग तरह से काम करता है। ब्रेन हार्मोनिक्स में कुछ साउंड्स को ऐसे डिजाइन करा जाता है जिसे सुनकर आपके ब्रेन के दोनों पार्ट एक साथ सिंक हो जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में कई चेंजेस आते हैं, आपके न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका IQ भी इंक्रीज होने लगता है। इसे करने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 4 दिन रेगुलरली 30 मिनट के लिए ऐसे साउंड्स को सुनना है जिसे सुनते हुए आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, स्टडी या कोई प्रॉब्लम और आइडिया पे काम कर सकते हो, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी और ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। नंबर 4, डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव डेली। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जे हायर ये देखना चाह रहे थे कि अगर ह्यूमन ब्रेन को किसी नॉवल यानी नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जाए जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस ना करी हो, तो उस दौरान ब्रेन में किस तरह के चेंजेस आते हैं। जिसके लिए उन्होंने टेट्रिस गेम को एक नॉवल एक्टिविटी की तरह लिया, जहां उन्होंने ये वीडियो गेम उन लोगों को खिलाया जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं खेला था। इसके बाद कई हफ्ते तक पार्टिसिपेंट्स उस गेम को खेलते थे और साइकोलॉजिस्ट्स उनके ब्रेन फंक्शंस को स्टडी करते थे, जिसमें ये पाया गया कि कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन के कॉर्टिकल की थिकनेस बढ़ गई थी और साथ ही उनके ब्रेन के कई एरियाज में ग्लूकोज का इंटेक बढ़ गया था, जिसका मतलब उनका ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे थे, जो अल्टीमेटली उनका IQ बढ़ा रहे थे। और टाइम के साथ वो इस गेम में अच्छा भी करते जा रहे थे। बट हैरानी की बात तो ये थी कि टाइम के साथ उनके ब्रेन में ये ग्रोथ जितनी तेजी से हुई उतनी ही तेजी से कम भी होने लगी, क्योंकि उनका ब्रेन उस गेम को समझ गया था, उसे खेलना सीख गया था। अब उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, इसीलिए उनका ब्रेन आलसी हो गया था। इसीलिए जब आप हर दिन कुछ नया करते हो, अपने ब्रेन को चैलेंज करके कुछ डिफरेंट और क्रिएटिव काम करते हो, तो इससे आपके ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल जैसे आप जिम जाते हो और वेट्स उठाते हो तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, वैसे ही कुछ नया और क्रिएटिव लाइक डूडलिंग, म्यूजिक या अदर क्रिएटिव चीज करने से आपकी ब्रेन की मसल्स स्ट्रांग होने लगती हैं। नंबर 5, प्रैक्टिस हायर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और अपने ऊपर कंट्रोल रखने से आप अपना IQ इंक्रीज कर सकते हो। 2009 की येल स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक IQ टेस्ट करने को दिया और उन्हें ऑप्शन दिया कि इस IQ टेस्ट के बदले उन्हें रिवॉर्ड मनी दी जाएगी, पर उनके पास ऑप्शन था कि वो IQ टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली ये रिवॉर्ड ले सकते थे या फिर वेट करके बाद में ले सकते थे। अब जिन लोगों ने अपने रिवॉर्ड्स के लिए वेट करा, उन लोगों के IQ टेस्ट में बाकियों से हाई स्कोर्स थे, जिससे एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूड करा कि जो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस को रोक पाते हैं और खुद के इमोशंस और एक्शंस पर अच्छे से कंट्रोल रखते हैं, वो मेंटली भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अमेरिकन ऑथर मारिया मैंस कहती हैं, द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पीपल इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजन। यानी हायर IQ का मतलब अपने माइंड और इमोशंस को फुल कंट्रोल में रखना होता है। अगर आपको पता है कि आपके लिए कुछ गलत है, फिर चाहे आपके आसपास के लोग आपको कितना भी फोर्स क्यों ना करें, आप कभी उस काम में शामिल नहीं होते। आपका अपने ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल है, यानी कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस को ये बढ़ाता है। इसीलिए हायर सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करने से आप अपने IQ को भी बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।